हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फूड किचन। तो आज हम बनाएंगे झटपट रवाब पे, चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चॉप्ड ग्रीन चिली, कैरेट, चॉप्ड कैबेज, फाइन चॉप्ड ऑनियन, बारीक कटे हुए टमाटर, ऑयल, स्वादानुसार नमक, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। तो यहाँ पे हमने रवा 1 घंटे तक भिगो के रखा है और बारीक रवा यूज किया है। उसमें ऐड करना है सॉल्ट टू टेस्ट, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने 2 स्पून टोमेटोज ऐड किए हैं, 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज और 2 चम्मच कैबेज, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, कैरेट, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतनी मिर्ची ले सकते हो। अब इस बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारे वेजिटेबल्स सॉल्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें स्लो फ्लेम गैस पे अप्पे का बर्तन रखा है और उसे ऑयल स्प्रेड कर देना है। ऑयल स्प्रेड करने के बाद जो बैटर हमने रेडी किया है उस बैटर को हम इसमें फिल करेंगे। अब स्लो फ्लेम गैस पे हम इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे ढक देना है। 3-4 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे अच्छे से ये फूल चुके हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम इसकी साइड्स रिमूव होती है या नहीं। साइड्स रिमूव हो रही है, इसका मतलब अप्पे हमारे यहाँ पे एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। तो हम उसे इस तरीके से पलट देंगे। देखो, एक साइड इसकी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, पक चुकी है, तो हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। इस तरीके से हमें सारे अप्पे जो है उन्हें पलट लेना है। रवा अप्पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। आप कभी भी जब मन करे तभी से जल्दी से बना सकते हो और नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे पलट लेंगे और 1 मिनट तक इसे ढक देंगे और 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे अप्पे एकदम रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छे जालीदार अप्पे तैयार हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।